दुख सुख दियां यादां या चिंता तो इलावा होर कुछ भी नहीं हो। हुण मैं अर्ज करा पदार्थ संसार परिवार मनुख दे अनुकूल नहीं है, सुख नहीं मिलता, नहीं मिलता। मन परमात्मा दे अनुकूल नहीं है तो आनंद नहीं मिलता, नहीं मिलता। अनंत जन्मां तो परमात्मा ते मन दी दूरी वध गई है और रोज रोज दूरी वध दी है। मन परमात्मा तो दूर जा सकता है, जितना दूर जाएगा उतना चिंता तो, जितना दूर जाएगा उतना ही दुखी। तो फिर की करिए, ये वापस आवे। एक बारले उदाहरण नाल मैं स्पष्ट करा। एक मनुख चल रहा होवे, बड़ी तेजी नाल चल रहा होवे, ते उसनू कोई एहसास करा देवे ये रस्ता गलत है, कि तू जिस मंजिल ते पहुँचना चाहना है नहीं पहुँच सकेगा, तो हुण उसनू की करना पएगा, वापस मुड़ना पएगा। पर वापस मुड़न दे नाल उदे हंकार नू चोट लगदी, मैं गलत साबित हो जाना। अगर मैं वापस होना तो फिर मैं गलत साबित हो जाना, मैं गलत चल रहा सी। इस वास्ते मनुख दा हंकार उसनू मुड़न नहीं देंदा, वापस नहीं होन देंदा। गुरबाणी आवाज़ मार दिए, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। मन दा घर परमात्मा है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। संसार दे सुख भावे इसनों कितने ही प्राप्त क्यों ना होया हो, अगर मन निरंकार तो दूर है उतना ही दुखी होवेगा, उतना ही सोग ते चिंता दे ग्रसिया होवेगा। हुण जितना दूर जान दे समय लगे है, कई जन्म लगे ने, जितनी दूरी ये चले है वापस आन दे इतनी मेहनत ते करनी पेगी। चलो बार दा उदाहरण ही लईए, बार मैं 100 मील तक गलत चला गया, 100 मील तक गलत चला गया, ते मैनू कोई एहसास करा दे ते रस्ता ही नहीं है, इत गलत जा रहे हो, इत पहुँचोगे नहीं। ते हुण कोई ये आखे ये सारा रास्ता वापस होके दूजा रास्ता पकड़ना पेगा, तो जितना मैं गलत रस्ते ते चल के दूर चला गया इतना तो वापस आना पेगा, इतना तो वापस आना पेगा। जितना मनुख ने हंकार लोभ वासना वधा ली है इतनी खत्म करनी पेगी, इतना ही वापस आना। एक हंकारी मनुख लई वापस मुड़ना औखा हो जाता है, क्यों? वापस मुड़द ही वह गलत साबित हो जाता है, गलत आम है। हंकार वापस नहीं आन देता, हंकार वापस नहीं मुड़न देता। सतसंग देच एक पीड़ा उस दिन शुरू हो जाती है, किस दिन? जिस दिन पता चलता मैं गलत हाँ। हर अवतारी पुरुष हर संत पहले मनुख नू गलत साबित करता है, भी तू गलत है, रस्ता गलत चुने है, ते फिर सही मार्ग ते तोरदा है। इस दे नाल मनुख नू चोट लगती है, चोट लगती है। यही कारण है कि मनुख सत्संग तो मांझा ही रह जाता है। सत्संग दे च पहला काम की होवेगा?
मनुख गलत साबित होगा, मनुख ठीक नहीं है, गलत है। तो जे मैं गलत हाँ तो मेरे अहंकार नू चोट लगती है। गलत इतने आ महाराज कहते ने भुलाओ बड़े भुली भुल भुल पछोतान। एक गलती एक दफा नहीं करता, बार बार करता है, बार बार करता है, बार बार करता है, और हर गलती इसनों दुख देती है, हर भुल इसनों परमात्मा तो दूर कर दी है। ये मनुख परमात्मा तो दूर है, पहचान किवें करोगे? चिंतातुर होवेगा, बेचैन होवेगा, परेशान होवेगा, दुखी होवेगा। कबूल कर लेना चाहिए अगर मैं दुखी हाँ तो मैं परमात्मा तो दूर हाँ, अगर मैं चिंतातुर हाँ तो मैं परमात्मा तो दूर हाँ, अगर मैं परेशान हाँ तो मैं परमात्मा तो दूर हाँ। ये पहचान है। गुरबाणी पहले मनुख दे मन नू गलत साबित कर दिए तो गलत है, फिर सही मार्ग ते तोर दिए। पहले मनुख नू इतना ते एहसास होवे मैं गलत हाँ, अगर मैं खुद सही हाँ तो फिर ते गुरबाणी दी सत्संग दी कथा कीर्तन दी लोड़ ही कोई नहीं, पाठ पूजा दी लोड़ ही नहीं। अगर मैं सही हाँ आपदी ज्ञातली अर्ज करा, हर सत्संग हर अवतारी पुरुष पहले मनुख नू गलत साबित करता है, तू गलत है। तो जितना मनुख हंकारी होवेगा गलत हाँ ऐसा कबूल करना औखा हो जाता है। इस वास्ते कोई भी मनुख खुले रूप दे अवतार की हर गल नू मनन नू तैयार नहीं होता, जबकि अवतार एक जबान होके कहते हैं गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराली। दुख दा होना, बेचैनी दा होना, परेशानी दा होना, व्याकुलता दा होना इस गल दा सबूत है। अवतार दी गल नहीं मने, गुरु पीर पैगंबर दी गल नहीं मने। क्यों नहीं मने? मैं गलत साबित होना तो मैं गलत नहीं हाँ, मैं ठीक हाँ। तो जे मैं ठीक हाँ ताई वो गलती मैं बार बार करांगा, जेदे गलती नू मैं ठीक समझ लवा। जीवन भर मनुख क्रोध बार बार करता है, झूठ बार बार बोलता है, भुलां बार बार करता है, क्योंकि भुलां नू भुल नहीं समझता, गलती नू गलत नहीं समझता, पाप नू पाप नहीं समझता, जबकि भुल है। जीवन भर ये भुलां ये गलतियां चलदियां रहनगियां उतने चिर तक जितने चिर तक सही एहसास ना हो जाए मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। पहले मैं गलत हाँ ये एहसास होवेगा। दूसरा उद्दम की है, और मैं जितना गलत चढ़िया वापस मुड़ा, वापस मुड़ा। जितना मैं गलत चल के प्रभु तो दूर हो गया इतना हुण मैनु वापस आना पेगा। मनुख दे हंकार नू चोट लगती है, इस वास्ते संसार देच धर्म मनुखां दी कोई तादाद वध नहीं सकती। मेरे दुख लई मैं जिम्मेवार हाँ ये मेरे हंकार नू चोट लगती है। पता है कम्युनिज्म दे इतना असर क्यों पै गया? अद्धी तो भी ज्यादा दुनिया कॉरल मार्क्स तो प्रभावित हो गई। कारण उसने कह दिता तेरे दुख लई समाज जिम्मेवार है, तू नहीं है, समाज ने तेरा शोषण किया है, समाज ने तेनों पछाड़ के रखे है, तेरे दुख लई तू जिम्मेवार नहीं है। ये गल मनुख नू चंगी लगी। कॉरल मार्क्स का जितना असर पै गुस्ताखी माफ, अज तक किसी अवतार का पीर पैगंबर का इतना असर नहीं पै कि ऐलानिया तौर पर इतने मुल्क ने कह दिता वे कि कॉरल मार्क्स सानू कबूल है, परवान है। रूस, चाइना, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, पोलैंड, हंगरी, इधर टैनजानिया, अफ्रीका के कई देश,
इधर लाओस कंबोडिया वियतनाम ये सारे लपेट दे आ गए। इतना असर किसे अवतार दा पीर पैगंबर दा नहीं पिया। कारण बड़े ध्यान नाल सुनना तो सारे सियाने बैठ। हर पीर पैगंबर अवतार गुरु ने कहा तेरे दुख लई तो जिम्मेवार है तो गलत है। मनुख दे हंकार नू चोट लगती है। आप सारे सूझवान बैठे हो। हर अवतार ने कह दिता तेरे दुख लई तो जिम्मेवार है, तेरे दुख लई तू गलत साबित होना, तू गलत है ता दुखी है। इहदे नाल मनुख की सियाणप नू जो इसने इकट्ठी की अज तक, जितना हंकारी मनुख होगा इतना ही ईश्वर नू इनकार कर देगा। क्यों? हर संत पैगंबर कहिंदा तू गलत है, तू गलत है, इहदे नाल चोट लगती है। महाराज ते कहिंदे ने एक गलती एक दफा नहीं जीवन भर करता है मनुख। बुलावड़े बोली बोल बोल पछोता ने, तू भुला करन वाला है, तू गलत है। इहदे नाल मनुख नू चोट लगती है कि चलो मैं गलत हाँ तो हुण मैं की करा। तो अवतारी पुरुष कहिंदे ने जितना गलत तू चल चुके हैं, दूर जा चुके हैं, वापस मुड़। मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे, तेरा घर परमात्मा है, तू घर तो बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। मन बहुत दूर जा सकता है कल्पना दे घर दे। चलो ये दो लफ्ज भी मैं दोहरा दें। तन नूं भजन दौड़न वास्ते कम करन वास्ते अस्थान चाहिए, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। मन अस्थान विच नहीं दौड़दा, मन समय विच दौड़दा है। गुजरे हुए समय दियां यादां दे चला जांदा है मन, ते गुजरे हुआ समा बहुत लंबा है, अनंत जन्म ने साढ़े। मन चला जांदा है आने वाले समय दी चिंता दे चिंता दे। मन या यादां दे छोंदा है गुजरे हुए समय दी, मन या चिंता दे चाहुंदा है आने वाले समय दी। बगौर मुताला करना, मनुख जैसा भी बैठा होगा या ते यादा च बैठा होगा चिंता च बैठा होगा, कोई भी गुस्ताखी माओ हर वक्त, चाहे दुकान ते बैठा है, परिवार दे च बैठा है, गुरुद्वारे बैठा है, मंदिर मस्जिद दे च बैठा है, बाजार दे च बैठा है, मन उसका उत्थे नहीं आता जिथे तन होंदा है। जिथे तन होंदा है उत्थे मन नहीं आता। एक हकीकत है, एक सच्चाई है। मन उस वक्त उत्थे आता है जिथे मनुख आता है। किस वक्त? जब बहुत खतरा होवे, उंज नहीं आता। जब खतरा नहीं तो मनुख जिथे, मन उत्थे नहीं आता, उत्थे नहीं आता। तुसी आखोगे जब खतरा होंदा है तो मनुख जिथे होंदा है मन भी उत्थे होंदा है। हाँ, उत्थे ही होंदा है। दो चार उदाहरण मैं दें। नवी नवी कार चलानी जिसने सीखनी है तो तन जिथे कार दे च बैठा है उसका मन भी उत्थे ही है। उन्हें पता है मेरा ध्यान इधर उधर होया नहीं तो कार भी गई तो मैं भी गया। बड़ी सावधानी, बड़ी एकाग्रता। जब कार चलाना स्वभाव बन जाता है, आदत बन जाती है, फिर सावधानी हट जाती है, एकाग्रता हट जाती है। फिर तो टेप ला के सुन रहे हैं, नाल दूजा साथी नाल बैठे वो नाल गप्पा मारदे हो, कार चला रहे, सावधानी हट गई। महाराज कहिंदे ने प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। बड़ी सावधानी, बड़ी एकाग्रता। और मैं फिर दोहरावा, एकाग्रता ते सावधानी उत्थे आउंदी है जब बहुत खतरा होवे, उंज नहीं आउंदी। खतरे दे जिथे तन है मन भी उत्थे ही आउंदा है,
क्योंकि तन नो बचाना है, सावधानी आती है, एकाग्रता आती है। पर जे कोई खतरा ही नहीं है तो मनुख का तन जिथे आता है मन उत्थे नहीं आता, बड़ा दूर चला जाता है। कित्थे चला जाता है? गुजरे हुए समय दियां यादां चला जाता है, आने वाले समय की चिंता चला जाता है। गुजरे हुए समय दियां यादां विच क्यों चला जाता है? यादां विच की है? यादां विच सिवाए दुख सुख तो होर कुछ भी नहीं है। कदी दुखां नूं बंदा याद करता है, कदी सुखां नूं। सुख किहड़े मिले सन? कदी कदी कोई परिवार, कोई मित्र, कोई पदार्थ जो अपने अनुकूल होया ते सुख मिलिया सी याद आउंदा है, ते मिलिया होया हर सुख बिछड़दा है। कुछ भी होवे, सदीवी कुछ भी नहीं है, फिर दुख आउंदा है। इस वास्ते जीवन नूं इक यात्रा कहिंदे ने। यात्रा विच की है? एक पड़ाव आया गया, दूजा पड़ाव आया गया, तीजा पड़ाव आया गया। यात्रा विच इस तरह है, सुख आया चला गया, दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, दुख आया चला गया, आना जाना बनिया रहिंदा, वख वख पड़ाव। दुख सुख रस्ते दे पड़ाव ने। मन चला जांदा है गुजरे हुए रस्ते दियां यादां दे पड़ावां दे। पड़ाव की सन? दुख ते सुख। बड़े ध्यान नाल लेना। मन चला जांदा है गुजरे हुए समय दियां यादां दे, यादां च की है? दुख ते सुख। मन चला जांदा है आने वाले समय दी चिंता च, क्यों? हुण जिहड़ा मेरे कोल सुख है किधरे चला ना जाए, चला ना जाए चिंता। हुण जिहड़ा सुख मैं चाहना किधरे ऐसा ना होवे, ना मिले, ना मिले। आप सारे सियाने बैठे हो, चिंता दे दो कारण ने, होर कुछ भी नहीं। हुण जिहड़ा सुख मेरे कोल है किधरे चला ना जाए चिंता। हुण जो कुछ मैं चाहना किधरे ऐसा ना होवे, ना मिले चिंता। यादां, यादां दुख सुख दियां ने। मिलिया सी कोई सुख, याद आउंदा है, और फिर चला गया ते मिलिया दुख, याद आउंदा है। कारण दुख भी एक चोट पहुँचा जांदा है, सुख भी खड्डा कर जांदा है, चोट पहुँचा जांदा है। यादां दुख सुख दियां आउंदियां ने। मन चला जांदा है दुख सुख दे, मन चला जाता है चिंता दे। इंज कह लो, जद भी किसी का मन भटक रहा हो, कहें मन तो लगता ही नहीं, की करिए मन टिकता ही नहीं। पर प्रश्न वो पैदा होता है, मन कितने चला जाता है? मन चला जाता है गुजरे हुए समय दियां यादां दे दुख सुख दे। मन चला जाता है आने वाले समय दी यादां दे चिंता, आने वाले समय की चिंता चला जाए। चिंता दे मन है, दुख सुख दे मन है। जब खतरा होवे, आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, ना दुख सुख याद आंदा ना चिंता। जैसे हुण मैं उदाहरण दिया, मनुख कार चलाना सीख रहा है नवी नवी, बड़ा ध्यान, बड़ी सावधानी। कार दे च बैठा है तो मन भी कार दे च ही है। हथ नाल स्टेयरिंग पकड़े होया तो मन भी स्टेयरिंग दे च है। जे पैर एक्सीलेटर ते है तो इहदा मन भी एक्सीलेटर ते है। कारण खतरा बड़ा, नवा नवा सिखदा पे। इनू पता है मेरा मन इधर उधर होया नहीं ते कार गई ते मैं भी गया। जैसे इसनों चलाना आ जाता है तो चलाना स्वभाव बन जाता है, ध्यान हट जाता है। फिर तो नाल बैठे साथी नाल ठट्ठा मस्करी कर दें, गड्डी चला रहे हैं, फिर तो टेप सुनते आया, रेडियो सुनते आया, गड्डी चला रहे हैं। खतरा टल गया, खतरा टल गया। खतरे दे च मन की एकाग्रता आती है, उंज नहीं आती, उंज नहीं आती। इस संबंध में मैं
थानू धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का एक पावन पवित्र वाक सरवन करावा। वो कहते ने रे मन राम स्यों कर प्रीत, कित्थे चला गया तू, इन्ना दूर चला गया। हर मनुख का मन राम तो दूर चला गया, तो कित्थे चला गया, काम दे चला गया, कामनावां चला गया। हर मनुख का मन परमात्मा तो दूर चला गया, तो कित्थे चला गया, पदार्थां दी परकरमा पिया करदा और कुछ भी नहीं। हर मनुख का मन निरंकार तो दूर चला गया, तो कित्थे चला गया, बस परिवार दी परकरमा पिया करदा और कुछ भी नहीं। वेख लेना अपने मन नूं गुस्ताखी मां, या तो परिवार की परिक्रमा कर रहा होगा, या पदार्थों की परिक्रमा कर रहा होगा, या तरह तरह कामनावां की परिक्रमा कर रहा होगा। पदार्थ तन की लोड़ सन, इस लोड़ नो मन ने लोभ बना लिया। लोभ दियां फिर तीन धारावां बन जांदियां ने, पदार्थां दा लोभ, प्रभता दा लोभ, रूप दा लोभ, मूल लोभ बन जाएगा। पदार्थां दा लोभ होर चाहिए ने, होर चाहिए ने, होर चाहिए ने। प्रभता दा लोभ होर चाहिए, प्रभता होर चाहिए, होर चाहिए। रूप दा लोभ होर चाहिए, होर चाहिए, होर चाहिए। और ये लोभ तृष्णा बन जाता है, मनुख तृष्णा दे जीवदा, मन तृष्णा देच है। ते तृष्णा नू जिस उदाहरण दे राही गुरबाणी समझांदी है, उन्नू कहिंदी है मृग तृष्णा, मृग तृष्णा। दूर दी रेत चमकण लग पैंदी है, पानी दिखाई देंदी है। मनुख ऐसा सोचदा ओ मैनू मिल जाए, मैनू सुख मिल जाएगा, मृग तृष्णा मिल गया है। सुख ते मिलिया ने, फिर हुण मन कहिंदा नहीं वह मिल जाए तो मैनू सुख मिल जाएगा। होर रेत चमकण लग पैंदी है, वह भी मिल गया, सुख तो मिलिया ने, फिर मन कहिंदा नहीं वह मिल जाए तो सुख मिल जाएगा। इनू मृग तृष्णा कहिंदे। रेत चमकदी पई सी, पानी है, प्यासा हिरन है, पानी चाहिए। मरुथल दे सहरा दे राजस्थान दे जिस तरह होंदा है, दौड़दा है हिरन, जितने चिर तक उस चमकती हुई रेत को पहुंचता है उन्होंने रेत दिखाई देती है। फिर दूर जो देखता है तो दूर की रेत चमकन लग पैंदी है, वह पानी दिखाई लैन फिर दौड़दा है। जीवन भर मनुख सुख के पिछे दौड़दा है, पल्ले सुख नहीं पैंदा। क्यों? तन दियां लोड़ां नूं मन अपनी लोड़ बना के लोभ बना लैंदा है। लोड़ां इहदा मनुख त्याग नहीं कर सकता, पर लोड़ां नूं लोभ बना लिया है, मन ते इतना बोझ पै जाएगा, ये परमात्मा तो दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और लोभ मनुख नूं भ्रष्ट कर देगा। और लोभ दियां फिर तीन धारावां आउंदियां ने, पदार्थां दा लोभ, प्रभता दा लोभ, रूप दा लोभ। अगर ये सीमा तो वध गया, पदार्थों का लोभ इसनों बेईमान ते ठग बना देगा, प्रभता का लोभ इसनों हिंसक बना देगा, रूप का लोभ इसनों दुराचारी बलात्कारी बना देगा अगर पुरुष है, और अगर स्त्री है तो उसनों गनका बना देगा, वैश्या बना देगा। गुस्ताखी माफ, मूल लोभ है। रूप का लोभ पुरुष है बलात्कारी हो जाएगा, स्त्री है गनका हो जाएगी। पदार्थों का लोभ बेईमान बना देगा, ठग बना देगा। प्रभता का लोभ जालम बना देगा, हिंसक बना देगा। और मन हिंसक बन जाएगा, मन बेईमान बन जाएगा, मन बलात्कारी दुराचारी बन जाएगा, और मन फिर शरीर की वरतों करेगा, ठगी वास्ते, हिंसा वास्ते, बलात्कारी वास्ते मन वरतों करेगा। धर्म कहिंदा है जो कुछ किया सो मन किया, मूंडिया मूंड अजाए
जो कुछ करता है मन करता है, शरीर उदी आग्या दी पालना करता है।